आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे टफेस्ट गाड़ी दिखाने वाला हूं। एक ऐसी गाड़ी जो कि हर तरह की कंडीशन को सरवाइव कर सकती है, एक ऐसी गाड़ी जिसे चुराया नहीं जा सकता, एक ऐसी गाड़ी जिसके ग्लासेस और जिसकी बॉडी पूरी तरीके से बुलेट प्रूफ है, और ना सिर्फ बुलेट प्रूफ है वो हैंड ग्रेनेड प्रूफ भी है, एक ऐसी गाड़ी जिसके टायर पर गोली लग जाने के बावजूद भी उसे चलाया जा सकता है, एक ऐसी गाड़ी जिसके टैंक में अगर छेद हो जाए तो वो अपने आप को ऑटोमेटिकली सील कर लेता है, और तो और ये ऐसी गाड़ी है जो कि न्यूक्लियर वॉर को भी सर्वाइव कर सकती है। इस गाड़ी को बनाया है फेरिस रिजवानी ने, जो कि बचपन से ही एक ऐसी गाड़ी बनाना चाहते थे जो कि इमोर्टल हो। इस गाड़ी का नाम है रिजवानी टैंक। गाइस, आपको ये गाड़ी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। मान लीजिए कि आपको किसी वजह से हवाई जहाज से बिना पैराशूट के कूदना पड़े, या फिर आपके पास पैराशूट है लेकिन वो हवा में खुल ही नहीं रहा। इन दैट केस क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कहां गिरे ताकि आपकी जान बच जाए, एटलीस्ट गिरने से तो जान ना जाए। आप में से बहुत सारे लोग पानी को चुनेंगे कि पानी में गिरेंगे तो शायद बच जाएंगे, लेकिन यह गलत है। पानी में गिरना उतना ही खतरनाक है जितना कि कंक्रीट की जमीन पर गिरना, क्योंकि पानी कंक्रीट की जमीन के जैसे कंप्रेस नहीं होता, वहां पर आपके जान जाने का खतरा ज्यादा है। तो चार बेस्ट ऑप्शंस कौन से हैं? सबसे पहले तो घास की जमीन, दूसरा स्नो यानी कि बर्फ की जमीन, तीसरी दलदल की जमीन, और चौथा पेड़। अगर आप इन चार जगहों पर गिरते हैं तो शायद आप बच सकते हैं। गाइस, क्या आपको इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। एक बहुत दिलचस्प कहानी सुनाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक पक्षी ठंडी जगह से उड़ रहा था, लेकिन ठंड इतनी ज्यादा थी कि वो ठंड के मारे जम गया और सीधे जमीन पर जाके गिर गया। पास से एक गाय जा रही थी, जिसने पक्षी को तड़पते देखा तो उसने पक्षी के ऊपर गोबर कर दिया। गोबर की गर्मी की वजह से वो पक्षी धीरे धीरे रिकवर करने लगा, उसकी ठंड कम होने लगी और उसे एहसास होने लगा कि वो शायद बच जाएगा, जिसकी वजह से वो खुशी के मारे गाना गाने लगा। पर उसके गाने को गलती से किसी बिल्ली ने सुन लिया। बिल्ली ने देखा कि आवाज कहां से आ रही है, तब उसे समझ में आया कि गोबर में एक पक्षी है जो गा रहा है, तो उसने गोबर से पक्षी को बाहर निकाला और खा गया। अब इस स्टोरी का मोरल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। पहला, जरूरी नहीं है कि जो आप पे गोबर करे या आपको कष्ट दे वो आपका दुश्मन है। दूसरा, जरूरी नहीं है कि जो आपको गोबर से बाहर निकाले या कष्ट से बाहर निकाले वो आपका दोस्त ही है। और तीसरा, जब भी आप गोबर के अंदर हो यानी कि कष्ट में हो तो अपने मुंह को बंद रखना चाहिए। गाइस, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको लेके हमारे दिमाग में गलत फहमियां हैं। उनमें सबसे पहली है कि टोपी पहनने से हेयरफॉल होता है। जी नहीं, टोपी पहनने से हेयरफॉल नहीं होता। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हेयरफॉल एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, और अगर आप स्ट्रेस ज्यादा लेंगे तो हेयरफॉल की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ेगी, इसीलिए अपने स्ट्रेस को कंट्रोल करिए। दूसरी है साफ सफाई को लेके। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि उनके आसपास की जगह, स्पेशली उनका घर, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, एकदम क्लीन, कहीं भी एक मिट्टी का कण भी नहीं दिखना चाहिए। देखिए, साफ सफाई सही बात है, होनी चाहिए, लेकिन ज्यादा सफाई से आपको एलर्जी की प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।